हेलो दोस्तों, नमस्कार। हरी द मरीनर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए मैं एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम को कैसे रीड करना है, जो कि एक कोई भी इंडक्शन मोटर हो या कोई भी मोटर हो, उसको मल्टीपल जगह से हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग शिपिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आपको एक मोटर दो तीन जगह से स्टार्ट करना चाहिए। तो उसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है बाय यूजिंग द सर्किट डायग्राम, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं सर्किट डायग्राम को कैसे यूज रीड करना है। देखिए दोस्तों, ये आपके पास सर्किट डायग्राम है। आई एम द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ऑन द शिप, सो दैट आई एम टेकिंग दिस सर्किट डायग्राम फॉर द बिल्ज फायर पंप। ओके, फायर पंप वी कैन स्टार्ट इन मल्टीपल प्लेस। सी दोस्तों, जो फर्स्ट पॉइंट होता है हम फायर पंप स्टार्ट कर सकते हैं, वो है लोकल स्टार्ट। उसके बाद होता है दोस्तों, ये होता है RPB रिमोट पुश बटन। दिस जो ये RPB होता है, ये होता है रिमोट साइड में। देखिए, ये BCC होता है। BCC मतलब ब्लास्ट कंट्रोल कंसोल। ओके, ये ब्लास्ट कंट्रोल कंसोल होता है दोस्तों, ये शिप्स ऑफिस में होता है, उधर से भी हम फायर पंप्स चालू कर सकते हैं। और देखिए FCS जो होता है दोस्तों, ये फायर कंट्रोल स्टेशन होता है, जो कि हमारा अपर डेक में है शिप पे। तो हम मल्टीपल जगह से ये इंडक्शन मोटर को हम स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया है ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में, कोई भी अगर सर्किट डायग्राम आपको रीड करना है तो उसका दो पार्ट होता है। देखिए, फर्स्ट जो पार्ट होता है दोस्तों, पावर सर्किट होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में एक्सप्लेन किया है। देखिए दोस्तों, ये जो पार्ट होता है, ये पावर सर्किट है, और इधर से जो ये पूरा जो सर्किट होता है, ये होता है कंट्रोल सर्किट। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पावर सर्किट को कैसे रीड करना है। देखिए दोस्तों, ये RST क्या होता है, ये होता है हमारा शिप का पावर सप्लाई, जो कि 440 वोल्ट AC 60 हर्ट्ज है। RST को हम सप्लाई देते हैं 52, ये 52 इज़ द सर्किट ब्रेकर। ये सर्किट ब्रेकर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पावर सर्किट में। अगर इंडक्शन मोटर में कोई भी फॉल्ट आ जाएगा, कोई भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा इंडक्शन मोटर को, तो सेफ्टी के लिए क्या होता है, ये सर्किट ब्रेकर होता है, ये क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये RST पावर सप्लाई जाता है हमारा इस 88, दिस इज़ द मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जाता है दोस्तों। ये मैग्नेटिक जो कॉन्टैक्टर होता है दोस्तों, ये होता है हमारा मेन कॉन्टैक्टर। ओके, उसके बाद जो जाता है पावर सप्लाई, ये 51 को जाता है। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि 51 क्या है, ये होता है OCR, ओवर करंट रिले। देखिए दोस्तों, ये भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि पावर सर्किट में इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्शन के लिए, जब भी हमारा कोई प्रॉब्लम हो जाएगा इंडक्शन मोटर में, ओवरलोड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये 51 OCR ओवर करंट रिले ट्रिप हो जाता है, और इधर से वो सर्किट को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, और मोटर को जलने से या डैमेज होने से बचाता है। तो ये OCR जो होता है दोस्तों, ये भी सेफ्टी इक्विपमेंट होता है। अभी देखिए दोस्तों, हमें इंडक्शन मोटर को रन करना है मल्टीपल जगह से, तो इसको कैसे रन करना है। देखिए दोस्तों, ये 88 कॉन्टैक्टर ऑलरेडी आप देख सकते हैं, इधर ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ओपन है। इसका जो कॉइल होता है दोस्तों, ये कॉइल है इधर इस ड्राइंग में, ये 88 कॉइल दिया है। देखिए दोस्तों, ये 88 कॉइल है। अगर ये कॉइल को सप्लाई जाएगा, तभी ये कॉन्टैक्टर क्या होगा, क्लोज होगा, कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, और 51 इसका जो 96-95 जो कॉन्टैक्ट है, अगर वो NC रहेंगे, तभी ये कॉन्टैक्टर क्या होगा, OCR पावर फीड करेगा इंडक्शन मोटर को, और तभी हमारा मोटर
घूमेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं हमारा जो मोटिव होता है सर्किट डायग्राम में इस 88 को कैसे क्लोज करने का। देखिए दोस्तों, कंट्रोल सर्किट में मैंने पावर ले लिया है आर फेज से और ये टी फेज से। ठीक है, अभी देखिए जो आर फेज से पावर लिया है वो पावर जा रहा है मेरा फ्यूज़ F1 को, और ये टी फेज से जो पावर लिया है मेरा जा रहा है F2 को। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है जो F1 और F2 जो होता है दोस्तों, ये फ्यूज़ होता है, ये भी हमारा अगर कंट्रोल सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगा, कोई एनी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये फ्यूज़ ब्लो आउट हो जाएगा और ये हमारे कंट्रोल सर्किट को पूरा सेव कर देगा। देखिए दोस्तों, ये F1 के बाद जो जा रहा है पावर सप्लाई, ये जा रहा है ट्रांसफार्मर को, ये ट्रांसफार्मर को F2 को, F2 के बाद भी हमारा जा रहा है ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर जो होता है दोस्तों, ये होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देख सकते हैं आप, ये 440 वोल्ट टू 220 वोल्ट 100 VA वोल्ट एम्पियर का एक ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अभी देखिए इसमें जो आप देख सकते हैं, ये हमारा 88 कॉन्टैक्टर का ये जो है एक कॉइल है। देखिए दोस्तों, ये 88 कॉन्टैक्टर का कॉइल को सप्लाई जाएगा तभी ये कॉन्टैक्ट क्लोज होगा, मोटर को पावर चला जाएगा। अभी देखिए पावर कैसे ट्रेस करना है सर्किट डायग्राम को। F1 तक अपना पावर आ गया है, अभी 4x, देखिए ये 4x ये होता है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर। ओके, ये देखिए 4x ओपन है तो पावर हमारा 88 कॉन्टैक्टर को नहीं जाएगा। ठीक है, कॉइल को पावर नहीं जाएगा, तो ये इसके बीच में 2y आता है, ये तो NC कॉन्टैक्ट है, लेकिन 4x जो है वो है NO कॉन्टैक्ट। देखिए अभी ये 4x को हमें कैसे एनर्जाइज करना है। ठीक है, अभी देखिए ये 4x है, ये 4x का एक कॉइल है। ठीक है, अभी इस कॉइल को हमें कैसे एनर्जाइज करना है इस हम देखते हैं। अभी देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर 440 टू 220 टू 15 वोल्ट। ओके, अभी देखिए ये ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग से F3 फ्यूज़ में गया और इस साइड में F5 फ्यूज़ में गया। अभी देखिए F3 फ्यूज़ से जो गया है पावर, ये देखिए ये F51 में गया है। ये 51, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है दोस्तों कि OCR ओवर करंट रिले होता है, जब भी ये 51 में पावर गया, ये 95-96 ये नॉर्मली NC होना चाहिए, अगर ये NC नहीं रहेगा तो ये OCR क्या हो जाएगा, पावर फीड नहीं करेगा इंडक्शन मोटर को। तो देखिए ये नॉर्मली क्लोज है, देख सकते हैं आप पावर कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए अभी इधर आया है, इधर आया है, ये 4x है। ठीक है, ये 4x है तो पावर इधर तक ही रुकेगा, इसके आगे पावर नहीं जाने वाला। अभी देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इधर, ये इधर पावर जा रहा है, और ये 3C जो होता है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये स्टार्ट पुश बटन होता है हमारा लोकल साइड में, जैसे ही इसको हम प्रेस कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, मोटर को सिग्नल देंगे, स्टार्ट प्रेस कर देंगे तो पावर चला जाएगा इधर से। देखिए इधर से पावर जा रहा है, ये 30X है, ये स्टॉप पुट बटन है, इसको नॉर्मली NC होता है, तो जैसे ही पावर इधर गया एक साइड में, ठीक है, A1 में पावर चला गया कॉन्टैक्टर में, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर 4X के कॉइल में। अभी देखिए इस साइड से ऑलरेडी पावर डायरेक्ट आ रहा है, तो जैसे ही क्या हो जाएगा, पावर इधर पुश बटन हम लोकल साइड से प्रेस करेंगे तो पावर क्या हो जाएगा, 4X कॉइल में चला जाएगा। तो 4X कॉइल है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही 4X एनर्जाइज हो जाएगा तो इसका एक होल्डिंग कॉन्टैक्ट है, एक क्लोज हो जाएगा, और इसको हम प्रेस करके ऊपर भी आ जाएगा तो पावर इधर से इसको कंटिन्यूस जाता रहेगा 4X में। ठीक है, जैसे ही 4X कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है, ये 4X भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और 88 कॉन्टैक्टर को
88 कॉन्टैक्टर के कॉइल में 440 वोल्ट पावर जाएगा। जैसे ही 88 कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा तो ये जो हमने हमारा जो मेन कॉन्टैक्टर है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर, इसका पूरा तीनों कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा। 51 ऑलरेडी क्लोज है, ठीक है। तो इसके बाद चला जाएगा इंडक्शन मोटर में 440 वोल्ट एसी सप्लाई, इंडक्शन मोटर हमारा चालू हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा लोकल साइड में हमें स्टार्ट करेंगे। तो अभी देखते हैं हम कि रिमोट पुश बटन, देखिए रिमोट पुश बटन होता है ये देखिए रिमोट पुश बटन, अगर ये C1 है दोस्तों देखिए, और ये C2 है और ये C3 है। जैसे कि मैंने 3C बताया, ये C3 जो होता है ये स्टार्ट पुश बटन होता है। जैसे कि हमने इसको C3 को प्रेस कर दिया रिमोट साइड से, तो देखिए इधर ऑलरेडी पावर है, ये देख सकते हैं आप, इधर ऑलरेडी पावर है। तो पावर इसको प्रेस करेंगे C3 को तो पावर चला जाएगा डायरेक्टली 4X कॉन्टैक्टर के कॉइल में। जैसे ही 4X कॉन्टैक्टर के कॉइल में चला जाएगा, ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा और पावर कंटिन्यूस फीड होता रहेगा। ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा और कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा। ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा पूरा और मोटर चलने लगेगा, जैसे कि हमने रिमोट पुश बटन से किया। अभी देखिए हमें इसको अगर बंद करना है तो देखिए दोस्तों, ये 30X है वो स्टॉप पुश बटन होता है, इसको हम स्टॉप कर सकते हैं। अगर इधर से देखिए मैंने आपको रिमोट पुश बटन से अगर स्टॉप करना है आपको, तो ये देखिए ये C1 है, इसको हमें ओपन करना है। जैसे ही इसको ओपन कर देंगे, ये कंटिन्यूस NC होता है, इसको जैसे ही ओपन कर देंगे तो ये देखिए इधर पावर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। जैसे ही एनर्जाइज हो जाएगा 30X, तो इसका ये नॉर्मली NC कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और इधर से मोटर आपका स्टॉप हो जाएगा। अभी देखिए जो होता है हमारा BCC बालास्ट कंट्रोल कंसोल, मतलब जो शिप्स ऑफिस में जो चालू करना है सेम होता है दोस्तों। ये देखिए C3 जो स्टार्ट पुट बटन है, इधर ऑलरेडी पावर है, इसको प्रेस करेंगे तो देखिए आप इधर पावर आ जाएगा, ये देखिए इधर आ गया, इधर से जाएगा सीधा 4X में और 4X एनर्जाइज होके इस कॉन्टैक्टर के कॉइल को एनर्जाइज करेगा और ये कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सेम जैसे कि मैंने आप लोग एक्सप्लेन किया स्टॉप पुट बटन के लिए भी, देखिए इधर जाएगा, इसको ऑन कर देगा और ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएगा और मोटर स्टॉप हो जाएगा। सेम फायर कंट्रोल स्टेशन से भी ये C3 जो है, ये स्टार्ट पुट बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे, पावर सीधा चला जाएगा 4X कॉइल में और एक कॉन्टैक्ट क्लोज हो जाएगा, 88 कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट क्लोज होके मोटर को स्टार्ट कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है हम मल्टीपल जगह से मोटर को कैसे स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका फायर कंट्रोल स्टेशन से मोटर नहीं स्टार्ट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये जो हमारा पुश बटन है ये ख़राब हो सकता है, या स्टॉप बटन है वो ख़राब हो सकता है, या हमारा मोटर नहीं चल रहा है तो ये जो OCR है, ओवर करंट रिले है, वो ट्रिप हो सकता है, तो इसको रिसेट करके हम मोटर को चला सकते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ये जो होता है इधर एक टैपिंग दिया है, जो कि ये 15 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर से लिया है टैपिंग, और ये फ्यूज़ भी डाला है। ये जो होता है WL, ये इंडिकेशन होता है कि हमारा पावर सप्लाई कंट्रोल में है, कंट्रोल सर्किट में है। तो देखिए जैसे ही हम लोकल साइड से इसको स्टार्ट कर देंगे, ये 88 कॉन्टैक्टर का कॉइल एनर्जाइज हो जाएगा, तो NO कॉन्टैक्ट है ये NC होके ये इंडिकेशन दे देगा आपको कि मोटर हमारा चल रहा है। ये है दोस्तों लोकल साइड में, आप देखिए इधर अगर आपको BCC बालास्ट कंट्रोल कंसोल से देखना है तो ये कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा और ये इंडिकेशन दे देगा R3 R4, सेम लाइक रनिंग लैंप इन FCS, दे 88X है,
ये देखिए ये 88x है ना, जैसे ही ये कॉन्टैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा 88x भी एनर्जाइज हो जाएगा और ये कॉन्टैक्ट क्लोज करके R5 R6 में ये खाली हमारा इंडिकेशन है कि हमारा मोटर चल रहा है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका होता है सर्किट डायग्राम को रीड करने का, फ्रॉम मल्टीपल प्लेसेस उसको स्टार्ट करने का। अगर इस बहुत ही सिंपल वीडियो से आप बहुत ही आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कैसे पढ़ना है, ये बहुत ही इजी होता है दोस्तों। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो आपको समझ में आया है तो इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए आपके दोस्तों में जो कि आपका दोस्त के हेल्प हो जाएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।